Okay, so in the last class we discussed yes, so ये हमारा last class वाला file है जहां पे हमने पढ़ा था, हमने शुरू किया था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, राइट। तो हमने डिस्कस किया था स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर कैलकुलेट कैसे करते हैं, फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हो कि एक नंबर नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। फिर हमने बात किया था प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन परफेक्ट स्क्वायर्स, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर। और यहीं पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, मतलब बहुत सारे ओलंपियाड्स वगैरह के क्वेश्चंस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। हाँ दीते बोलिए सर, फिर से एक बार सर फिर से हल्का सा थोड़ा रिवीजन करा दीजिए सर। रिवीजन ही तो चल रहा है ना अभी, थोड़ा सा सुन लिया करो, रिवीजन ही चल रहा है। और रिवीजन करवाना शुड बी कंप्लीटली माय डिसीजन, इट शुड नॉट बी योर्स। अगर किसी को रिवीजन चाहिए तो वीडियो अपलोड किया हुआ था, वो देख के आता अगर आप लास्ट क्लास में नहीं थे, और थे तो भी। सो जैसे कि मैं बता रहा था कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते हैं ओलंपियाड्स में कह लो, स्कूल्स के एग्जाम्स में भी जो होते हैं इस चैप्टर से, दे आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर्स एंड परफेक्ट स्क्वायर्स। मतलब अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपके सामने मैंने एक से लेकर 20 तक के स्क्वायर्स को लिखा था, फिर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किया था, ऑब्जर्वेशंस किया था कि जो परफेक्ट स्क्वायर्स है वो हमेशा 0, 1, 4, 5, 6 या 9 पे ही एंड करते हैं, हमेशा परफेक्ट स्क्वायर्स उसी पे एंड करते हैं। देन परफेक्ट स्क्वायर्स विल नेवर एंड विद 2, 3, 7 और 8, परफेक्ट स्क्वायर्स कभी भी 2, 3, 7 या 8 पे एंड नहीं करते हैं। देखो 10 ही डिजिट होता है, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट होता है, 10 में से वो 6 डिजिट पे एंड करते हैं, तो बाकी 4 पे एंड कभी भी नहीं करते। वो बाकी 4 डिजिट कौन से हैं, तो इट इज 2, 3, 7 एंड 8। फिर हमने और प्रॉपर्टी क्या देखा था, प्रॉपर्टी नंबर 3 कि कोई भी ऑड नंबर का स्क्वायर करते तो ऑड ही निकलता है, इवन नंबर का स्क्वायर करते तो इवन ही निकलता है। फिर हमने और डीप में ऑब्जर्वेशंस किया, तो कुछ ऑब्जर्वेशंस आए जिसको हमने अगले स्लाइड में टेबल में डाला था कि जब भी कोई नंबर 1 या 9 पे एंड होने वाला नंबर का स्क्वायर किया जाता है, जब भी किसी नंबर जो कि 1 या 9 पे एंड होता है जब उसका स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायर वैल्यू जो होती है, स्क्वायर वैल्यू किस पे एंड करती है उसके, वो एंड करती है 1 पे। सिमिलरली जब भी कोई नंबर 2 या 8 पे एंड करता है और आप उसका स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो उसका जो स्क्वायर वैल्यू निकल कर आता है, वो स्क्वायर वैल्यू का यूनिट डिजिट हमेशा 4 होता है, हमेशा 4। नेक्स्ट कोई नंबर अगर 3 या 7 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 9 पे एंड करता है। कोई नंबर अगर 4, 6 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 6 पे एंड करता है। कोई नंबर 5 पे एंड करता है तो उसका स्क्वायर हमेशा 5 पे एंड करता है। एंड सिमिलरली कोई नंबर अगर 0 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू भी 0 पे एंड होता है। तो ये हमने सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया था कहने के लिए, ये जो पहले 20 वैल्यूज थे इन्हीं के बेसिस पे, ठीक है। और ये किसी भी नंबर, मान लो कि कल को आप मेरे से पूछते हो कि सर अगर एक नंबर है मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो मैं भले पूरा स्क्वायर नहीं कर पाऊं लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इस पे डिपेंड नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ इसकी यूनिट डिजिट पे डिपेंड करेगा। तो ये नंबर किस पे एंड कर रहा था, ये नंबर एंड कर रहा था 6 पे, तो अगर ये नंबर 6 पे एंड कर रहा था तो उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा किस पे एंड करेगा, 6 पे ही एंड करेगा, तो इसलिए इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। अगर वो नंबर मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा नंबर है जो कि 7 पे एंड कर रहा है और मैं अब निकालना चाहता हूं कि इसका यूनिट डिजिट कहां पे एंड करेगा, तो उस केस में हमको ये देखना है कि ये कहां पे एंड हो रहा है, ये 7 पे एंड हो रहा है। तो कोई भी नंबर जब 7 पे एंड होता है तो उसका स्क्वायर वैल्यू का जो यूनिट डिजिट होता है वो हमेशा किस पे एंड होता है, वो हमेशा 9 पे एंड होता है। तो यही चीज कहीं ना कहीं ये टेबल में हमने इस चीज को रियलाइज किया था। जैसे ये देख सकते हो 3 या 7, कोई भी नंबर 3 या 7 पे एंड करेगा उसका स्क्वायर वैल्यू हमेशा 9 पे ही एंड होता है। सो दिस वाज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। फिर आता है प्रॉपर्टी नंबर 5, नंबर ऑफ जीरोज इन अ परफेक्ट स्क्वायर।
तो सबसे पहले तो अगर ओरिजिनल नंबर में जीरो आ रहा है, ओरिजिनल नंबर के एंड में जीरो आ रहा है, तभी उसके स्क्वायर में भी एंड में जीरो आएंगे. दैट इज द वेरी फर्स्ट थिंग. तो जैसे कि 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400, etc. ये सारे नंबर्स के एंड में जीरो है. तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो हम ऑब्जर्व कर रहे थे कि भाई उसके स्क्वायर में कितने जीरोज आ रहे हैं. तो जब 10, 20, 30, 40 जैसे नंबर्स का स्क्वायर किया गया तो आए 100, 400, 900, 600. वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा. जब हम इनका स्क्वायर किए तो इनके स्क्वायर वाले वैल्यू में लास्ट में दो दो जीरोज आने लग गए, जबकि ओरिजिनल नंबर में कितने जीरोज थे, एक एक जीरो था. फिर जब सेकेंड केस में आए, सेकेंड केस में 100 का स्क्वायर लिया तो आया 10,000, 200 का स्क्वायर लिया तो आया 40,000, 300 का स्क्वायर लिया तो 90,000 और 400 का स्क्वायर लिया तो 160,000. तो हम देख रहे हैं कि 100, 200, 300, 400 इन सारे नंबर्स में लास्ट में डबल जीरोज है, लेकिन इनका स्क्वायर किस पे एंड हो रहा है, तो इसका स्क्वायर में चार चार जीरोज आ रहे हैं. तो यहां से हमने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया, ये जो लिखा हुआ है ए में, नंबर ऑफ जीरोज इन अ परफेक्ट स्क्वायर इज डबल नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द वैल्यू हूज स्क्वायर इज कैलकुलेटेड. तो आप जिस भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करते हो उसके एंड में जितने भी जीरोस दिख रहे हैं, जब आप उसका स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर वैल्यू के अंदर उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस दिखते हैं. स्क्वायर वैल्यू के अंदर उसके डबल नंबर ऑफ जीरोस दिखते हैं. और इसी के साथ एक और ऑब्जर्वेशन हमने किया था कि क्योंकि ये नंबर ऑफ जीरोस हमेशा डबल हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमेशा एंड में कितने जीरोस होंगे, तो हमेशा एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे. हमेशा एंड में इवन नंबर ऑफ जीरोस होंगे. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक नंबर है मान लो 256, 123, तो हम आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे कह सकते हैं दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इसके एंड में कितने जीरोस है, तो इसके एंड में तीन जीरोस दिख रहे हैं. इसके एंड में तीन जीरोस दिख रहे हैं, और अगर एंड में तीन जीरोस दिख रहे हैं तो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. ठीक है, नेक्स्ट. फिर हमने इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे, या आप ही ने इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व किया था. और फिर हमने ये आई थिंक यही लास्ट प्रॉपर्टी थी, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर्स. ऑड नंबर सबको पता है, नेचुरल नंबर सबको पता है. तो अगर मान लीजिए कि हम पहले पांच ऑड नंबर्स को लिख रहे हैं, पहले पांच ऑड नंबर्स को लिख रहे हैं और उनका एडिशन कर रहे हैं, तो जैसे कि ये आप देख सकते हो लास्ट वाला 1, 3, यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, ये पहले पांच ऑड नंबर्स हैं. जब इनका एडिशन किया गया तो इनका एडिशन बन गया 25. बट 25 क्या होता है, 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज द स्क्वायर ऑफ 5. सिमिलरली पहला चार ऑड नंबर्स का स्क्वायर आया 16, पहला तीन ऑड नंबर्स का नंबर था 9, पहला दो ऑड नंबर का सम था 4. तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉपर्टी बनता है कि पहले दो ऑड नंबर्स का सम 2 स्क्वायर निकल कर आया, पहले तीन ऑड नंबर्स का सम 3 स्क्वायर निकल कर आया, पहले चार ऑड नंबर्स का सम 4 स्क्वायर निकल कर आया, पहले पांच ऑड नंबर्स का सम 5 स्क्वायर निकल कर आया. इसका मतलब कि पहले n नंबर ऑफ टर्म्स लिखे होंगे, पहले n ऑड नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो हमेशा n स्क्वायर आएगा. जैसे कि मान लो मैंने लिखा पहला 10 ऑड नंबर, अगर हम पहला 10 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो हमारा वैल्यू निकल कर आएगा 10 स्क्वायर 100. हमको वहां पे एडिशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये प्रॉपर्टी हमको वहां पे हेल्प करता है. ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन लास्ट क्लास के बेसिस पे. अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ. सो अभी और भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं. होमवर्क छोटा मोटा होमवर्क था, मैं उस पर बाद में आऊंगा, होमवर्क डिस्कशन पे थोड़ी देर बाद में आऊंगा. सो आई डोंट थिंक होमवर्क में ऐसे किसी को प्रॉब्लम हुआ है. चलो ठीक है, चैट में आ रहे मैसेजेस तो मैं एक बार देख लेता हूं. बताओ किसी को होमवर्क में प्रॉब्लम हुआ है, जेन्युइनली किसी ने सॉल्व किया होगा तो आई डोंट थिंक किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा. फिर बड़ा आसान सा होमवर्क दिया था, अभी थोड़े से क्वेश्चन दिए थे, तो चैट बॉक्स में बताओ अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ है तो. ओके, सो सबको चैट में नो लिख रहे हैं. कौशिक, हाँ कौशिक अनम्यूट करो.
यस सर। कैसे सर? केवल सर फोर ही में सर, सर केवल फोर है सर, ओनली वन सर फोर है। हाँ तो फोर में कैसे सॉल्व, कैसे ट्राई क्या किए थे ये बताओ सर। पहले सर इसमें 11 का स्क्वायर सर निकाला है, पहले सर 100, फिर सर दूसरा में 101 का, फिर सर 1001। क्वेश्चन क्या दिया है? ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। तो आपने पैटर्न क्या आइडेंटिफाई किया है ये बताओ सर। पैटर्न सर हमको तीन सर सेम लगा, उसके बाद सर ये बोल रहा है कि अगला पैटर्न आफ ये सर निकालना है। तो इसका तो पहले तीन जो वैल्यूज दिए हुए हैं उन वैल्यूज को वहां पे रियलाइज करना है, ऑब्जर्व करना है, और उसी के बाद तो आप अगला बता सकते हो ना। जब तक आप पहला तीन में पैटर्न अगर आपको पता चल गया तो उसी पैटर्न का हेल्प से हमको आगे का आंसर बताना है। यही सिंपल क्वेश्चन है। पैटर्न कुछ ऑब्जर्व कर पाए थे ये बताओ। पैटर्न में सर ऑब्जर्व सर यही किए कि सर उसमें स्क्वायर निकालना है। ये तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो 101110 सबके ऊपर 2 लिखा हुआ है तो स्क्वायर करना है। पैटर्न कुछ नहीं दिख रहा है, वो वैल्यूज के बीच में, जीरोस के बीच में, 2 1 के बीच में। देखो पैटर्न क्या है। पैटर्न इज गाइस देखो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं, सबसे पहले दीज आर आईक्यू क्वेश्चंस। इसमें हम कोई भी कह सकते हो स्क्वायर स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, इट्स कंप्लीटली आपके आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, सबसे पहले आया 11, 11 का स्क्वायर हम सबको पता है 121 होता है। इसने फिर लिखा है 101 का स्क्वायर लिखा है 10201। तो अगर हम इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, खाली पहले आप इन दोनों को देखो, तो इसमें अगर हम पैटर्न ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो पैटर्न ये दिखना चाहिए कि सबसे पहले इसका स्टार्टिंग में भी 1 आ रहा है, लास्ट में भी 1 आ रहा है, यहाँ भी स्टार्टिंग में 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। इनफैक्ट अगर यहाँ भी देखोगे तो स्टार्टिंग में इधर 1 आ रहा है, लास्ट में 1 आ रहा है। तो ये एक पहला पैटर्न हो गया। उसके बाद 2 देखोगे, जो वैल्यू 2 दिख रही है वो 2 एकदम बीच में लाई कर रहे हैं। अगर पोजीशन वाइज देखोगे तो 121 में 3 डिजिट थे तो बीच वाले पोजीशन पे था, 10201 में 5 डिजिट थे तो अगेन वो एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन पे है। अगला देखोगे 100201 पे देखोगे तो उसमें टोटल 7 डिजिट है, 7 डिजिट में वो एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है, वो एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। तो पहला पैटर्न हमने ये देखा कि एकदम स्टार्टिंग और एकदम लास्ट में 1 है। दूसरा पैटर्न ये देख सकते हैं कि बीच, एकदम बीच में जितने भी डिजिट है उसके एग्जैक्ट बीच में 2 आ रहा है। तीसरा पैटर्न जीरोस, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं नंबर ऑफ जीरोस बढ़ते जा रहा है। तो हमने क्या पैटर्न देखा कि जब 101 का स्क्वायर किए थे तो बना 10201, तो एक जब 101 में 10 था तो आप देख सकते हो 1 और 2 के बीच में 10 आया है। जब 1001 का स्क्वायर किया गया तो 1001 में वो 11 के बीच में 20 आए हैं। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, 1 और 2 के बीच में 20 आए हैं। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि 11 के केस में दोनों 1 के बीच में कोई 0 नहीं था, 11 के केस में दोनों 0s के बीच, दोनों 1s के बीच में कोई 0 नहीं था, तो इसीलिए 121 सीधा बन गया। वहां पे भी 1 और 2 के बीच में कोई 0 नहीं आया। तो पहला पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया कि 111 मतलब स्टार्टिंग में 1 लास्ट में 1। दूसरा पैटर्न ये ऑब्जर्व किया कि बीच में एग्जैक्टली 2 आ रहे हैं। तीसरा पैटर्न नंबर ऑफ जीरोस के लिए था, जो कहीं ना कहीं ये बता रहे कि ओरिजिनल नंबर में जितने जीरोस हैं उसके स्क्वायर में डबल हो जा रहे हैं। कि अगर ओरिजिनल नंबर में 10 है तो यहाँ पे 2 के लेफ्ट में 10 लिख रहे हैं और 2 के राइट में 10 लिख रहे हैं। 1001 में 20 थे बीच में, तो 2 के लेफ्ट में 20 लिखे गए और 2 के राइट में 20 लिखे गए। ठीक अगर उसी तरीके से यहाँ देखोगे तो 1001 है तो यहाँ पे 3 जीरोज है, 3 जीरोज है, तो हमको क्या करना चाहिए, हम यहाँ पे भी सबसे पहले 3 जीरोज लगाएंगे, हम यहाँ पे भी पहले 3 जीरोज लगाएंगे और उसके बाद 2 के लेफ्ट में 3 जीरोज लगाओगे और 2 के राइट में भी 3 जीरोज लगाओगे। तो दिस इज हाउ द पैटर्न इज, जो भी पैटर्न ऑब्जर्व किया उसको यूज करके इसको फिल किया। अब अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 6 जीरोज है बीच में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसके 6 जीरोज भले ही होंगे बट इतना क्लियर है कि स्टार्टिंग में 1 आएगा, लास्ट में 1 आएगा। अब आपको ये डिसाइड करना है यहाँ पे कि इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे। तो जब ओरिजिनल 11 था, 11 या फिर इसको ऐसे देख सकते हो कि 1 के बाद हम क्या करेंगे, 1 और बीच में कहीं पे 2 आएगा, बीच में कहीं पे 2 आएगा, कितने जीरोज है यहाँ पे, तो 6 जीरोज है। तो आपको बीच में 6 जीरोज लगाना है, 1 2 3
चार पांच छह, छह जीरोस आपको टू के लेफ्ट में लगाना है और छह जीरोस आपको टू के राइट में लगाना है। तो इस तरीके से ये आपका इसका आंसर आ गया। हाँ नयन बताओ सर, थर्ड नंबर में से चार जीरो होगा ना दोनों साइड? थर्ड नंबर में एक दो तीन चार, अच्छा हाँ इधर चार है, मैं तीन गिन रहा था तब से, इसलिए हम भी कंफ्यूज हो गए। ठीक है, थैंक यू नयन। तो यहाँ पे हमें तीन जीरोज नहीं, हमारे पास चार जीरोज है। ठीक है, एक दो तीन चार, चार जीरोज है तो वन टू थ्री फोर, चार यहाँ लिखाएगा और चार यहाँ लिखाएगा। ठीक है, तो आई होप कौशिक ये आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है थोड़ी देर में करते हैं इसको। अपरमय क्वेश्चन नंबर नाइन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, नाइन को अभी मैं पढ़ाता हूँ फिर आपके डाउट्स पे आता हूँ। ठीक है, चलिए तो हो गया आपके डाउट डिस्कशन, अब बढ़ते हैं अपन क्लास में आगे की तरफ। तो अब यहाँ पे और भी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है आज की क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट क्लास के मुकाबले, बिकॉज लास्ट क्लास की प्रॉपर्टीज वेयर easy to understand, वो मतलब कि हम देख कर ही observe कर सकते थे, लेकिन आज वाली जो properties है वो कहीं ना कहीं mathematically निकाली गई है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा focus देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले है number between square numbers। ये कह रहा है कि अगर कोई, ये headline का मतलब क्या हुआ guys, इस headline का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास दो perfect squares आए हैं, अगर हमारे पास दो perfect square लिखे तो उनके बीच में कितने numbers होते हैं। ठीक है, तो इस line को पढ़िए सब कोई। ये कह रहा है कि इफ वी टेक टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, अगर आप दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लेते हो n एंड n प्लस वन, n और n प्लस वन दो कंसेक्यूटिव नंबर होंगे, और अगर आप उनका स्क्वायर करते हो, ठीक है अगर आप उसका स्क्वायर करते हो, जैसे मान लो आपने लिया है छ और सात, तो छ का स्क्वायर किया और सात का स्क्वायर किया, छ का स्क्वायर हो गया 36, सात का स्क्वायर हो गया 49। तो आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा जाता है कि भाई साहब बताइए छह का स्क्वायर और सात के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर आएंगे। ठीक है, बिकॉज अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लिखना शुरू करें, अगर हम परफेक्ट स्क्वायर लिखना शुरू करें तो एक बार मैं यहां पे लिखता हूं परफेक्ट स्क्वायर में कौन से नंबर्स आते हैं। तो स्टार्ट से अगर बात करें तो पहले आता है वन, उसके बाद आता है फोर, उसके बाद आता है नाइन, उसके बाद आता है 16। तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं एंड सो ऑन, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं तो बाकी क्या होते हैं, बाकी होते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। जैसे कि वन और फोर के बीच में, वन और फोर के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं, तो दो परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं। फोर और नाइन के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर्स लाई करते हैं, तो फोर और नाइन के बीच में पांच आएगा, छह आएगा, सात आएगा, आठ आएगा, चार परफेक्ट स्क्वायर्स लाई कर रहे हैं। अच्छा, नौ और सोलह के बीच में कितने हैं, नौ और सोलह के बीच में बात कर ली जाए तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है तो 6 आ रहे हैं। तो यहां पे भी एक पैटर्न है, यहां पे भी एक छोटा सा पैटर्न है। क्या है वो पैटर्न? तो पैटर्न कहता है कि अगर आप कभी भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स लेते हो कंसेक्यूटिव, मतलब एक अगर मान लो n का स्क्वायर किया है तो अगला n प्लस 1 का स्क्वायर कर रहे हो, n आप मान लो अपने दिमाग में कुछ भी, लेट से आपने अगर n 44 लिया है तो 44 का स्क्वायर करोगे और उसका अगला नंबर होगा 45 का स्क्वायर करोगे, तो 44 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर होता है 1936 और 45 का स्क्वायर होता है 2025। तो 1936 और 2025 के बीच में बाकी जितने भी नंबर्स है वो सबके सब नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स है। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात हो रही है। इफ वी टेक टू कंसेक्यूटिव नंबर्स n एंड n प्लस 1, देन देयर विल बी टू नॉन 2n, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देन देयर विल बी 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन देयर स्क्वायर नंबर्स। कितने होंगे? 2n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है 2n नंबर ऑफ टर्म्स होने वाले हैं। अभी नोट करना
आप छोड़ सकते हो अभी यहाँ पे, सुनो और क्लास के बाद इसको कर लेना, ठीक है? ये कम्प्लीटली आपके एनसीईआरटी जैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है? मैं चाहूंगा कि आज थोड़ा सा इस पे फोकस करो। हाँ देते बोलिए सर, क्लास के बाद नोट कर सकते हैं सर? हाँ मतलब अभी कर लो, मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी इतना टाइम नहीं दूंगा, ठीक है? आप क्लास में सुनने के साथ साथ थोड़ा लिखते भी रहो, और बाकी अगर थोड़ा चीज बच भी जाता है तो क्लास के बाद मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा, आप उस पीडीएफ से कंप्लीट कर लेना, ठीक है? ओके सर। सो स्टूडेंट्स, पैटर्न क्या कह रहा है? पैटर्न कह रहा है कि अगर आपने एक नंबर माना है एन और उसका अगला नंबर है एन प्लस वन, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर, इसके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे? तो हमारे पास 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है? 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आप इसको जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, इस एग्जाम्पल के हेल्प से रियलाइज कर सकते हो। मान लो पहले मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और हम इसको वेरीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा था 1 स्क्वायर, फिर हमने लिखा था 2 स्क्वायर, फिर हमने लिखा था 3 स्क्वायर, फिर हमने लिखा था 4 स्क्वायर। तो आप ठीक से देखो ये क्या कह रहा है, डबल 2n। तो जैसे कि यहाँ पे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में देखेंगे, 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में देखेंगे तो हमारा n का वैल्यू 1 होगा और n प्लस 1 का वैल्यू 2 होगा। तो यहाँ पे 2n कितना हुआ, 2n मतलब कितने टर्म्स दिख रहे हैं हमको, दो टर्म्स दिख रहे हैं, राइट? अच्छा 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में देखो, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितना आ रहा है, तो 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में 4 टर्म्स आ रहे हैं जो कि 2 का डबल होता है ना? 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के बीच में कितने टर्म्स आ रहे हैं, 4 टर्म्स आ रहे हैं जो कि 2 का डबल होता है। नेक्स्ट यहां ऑब्जर्व करो तो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में कितने टर्म्स है, 6 टर्म्स आ रहे हैं। 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में 6 टर्म्स आ रहे हैं जो कि 3 का डबल है। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम n स्क्वायर और n प्लस 1 का होल स्क्वायर ले रहे हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, उनके बीच में 2n नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे। यहाँ पे एक और एग्जांपल के हेल्प से समझाया गया है। लेट्स टेक n इज इक्वल टू 5, लेट्स टेक n इज इक्वल टू 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो n प्लस 1 कितना होगा, अगर हमने n का वैल्यू 5 लिया है तो n प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा, और वो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 36 होगा। तो हमने यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स ले लिए, एक 25 लिया, एक 26 लिया, एक 25 लिया और एक 36 लिया। अब 25 और 36 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होने चाहिए इस रूल के हिसाब से, तो 2n नंबर ऑफ टर्म्स होने चाहिए। 2n मतलब n का वैल्यू 5 लिया हुआ है तो 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10। तो इस रूल के हिसाब से 25 और 36, 25 और 36 के बीच में देयर शुड बी 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, देयर शुड बी 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। और अगर आप इसको आयुष मैसेज दिख रहा है सिंस बिकॉज आई एम स्पीकिंग इसलिए मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सो द नंबर्स आर 26, 27। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि भाई साहब 25 और 36 के बीच में एग्जैक्टली वो कौन से 10 नंबर्स हैं, तो बहुत इजीली आप देख सकते हो 26, 27, 28, 29, 30, 5 इधर हो गए, 31, 32, 33, 34, 35, 5 इधर हो गए, टोटल 10 हो गया। तो ये टेक्निक आपको एक्चुअल काउंटिंग से बचाती है, ये टेक्निक आपको एक्चुअल काउंटिंग से बचाती है। साथ ही साथ हमको बड़े परफेक्ट स्क्वायर्स जो बात करेंगे तो वहां काउंटिंग में भी तो टाइम लगेगा, ये तो चलो छोटे थे काउंटिंग भी कर लेता कोई, लेकिन अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं, चैट बॉक्स में बताओ नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। चलो चैट बॉक्स में बताओ कि अगर हम 10 का स्क्वायर करते हैं और 11 का स्क्वायर करते हैं तो उनके बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। वेरी गुड अनय, आदित्य, नयन, सिद्धि, पायल, रेहान, सही है, सबके आंसर सही है। गोलू गलत है, आयुष, श्रेया सही है, शुभम गलत है, नैतिक गलत। नैतिक आप 10 और 11 को ऐड कर रहे हो, कहीं पे भी मैंने एडिशन की बात की है क्या? नहीं ना। पूर्णिमा सही है,
So what should be the answer, guys? What should be the answer? So the solution will be, अगर हम यहाँ पे n का वैल्यू 10 लेते हैं, n का वैल्यू मान लो 10 लेते हैं, तभी ना यहाँ पे n square का मतलब कितना हुआ? 10 square हुआ, and n plus 1 कितना है? अगर n का वैल्यू 10 नहीं हो तो n plus 1 11 हुआ, तो और तो फिर n plus 1 का square कितना हुआ? n plus 1 का square हो गया आपका 11 का square. तो कहीं ना कहीं हम दो consecutive numbers का ही तो square कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं दो consecutive numbers का ही square कर रहे हैं. तो फॉर्मूला के हिसाब से, फॉर्मूला के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स कितने होने चाहिए? तो दैट शुड बी 2 × 10, है कि नहीं? बिकॉज फॉर्मूला क्या कहता है? 2 × n कहता है, फॉर्मूला कहता है 2 × n, और n का वैल्यू हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से 10 बनता है, तो 2 × 10 कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है? 2 × 10 हो गया 20. तो आपको सिर्फ और सिर्फ, उत्कर्ष गलत, अगर n का वैल्यू 10 माने हो तो ठीक है. आई होप ये समझ में आ रहा है सबको. एक और क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूं. हाँ दीते बोलिए सर. पूछ रहे सर, ये जो सर टोटल ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर है सर 10 बाय, तो इसका फॉर्मूला सर n multiple sir 2 × n. हाँ 2 × n, फिर इसका मतलब फॉर्मूला सर बता दीजिए सर, लिख लेंगे. क्या बताना है सर? नॉन परफेक्ट स्क्वायर सर, मतलब आप बोल रहे थे नॉन परफेक्ट स्क्वायर सर 20 होगा, तो सर वो कैसे सर नॉन परफेक्ट पहचानेंगे 20 होगा? क्योंकि फॉर्मूला, अभी हमने ऊपर पैटर्न्स इतना क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो. अगेन उसी पे जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको क्लास में बोला था, अटेंशन कम देते हो और उसी का नतीजा ये होता है. यहाँ पे आपके सामने 1² 2² 3² 4² इस तरीके से मैं परफेक्ट स्क्वायर को लिखते जा रहा हूँ. अब 1² और 2² 1 और 4, 1² का वैल्यू 1 होता है, 2² का वैल्यू 4 होता है, तो इनके बीच में कितने हैं? 2 नंबर्स हैं. 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 और 9 के बीच में कितने हैं? 4 नंबर्स हैं. 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इनके बीच में कितने नंबर्स हैं? तो 6 नंबर्स हैं. तो यहाँ पे एक छोटा सा पैटर्न यही चल रहा है कि जब भी हम किसी भी दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स देख रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है यार आदित्य, सिंपल सा लॉजिक है. अगर 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, तो 36 और 49 के बीच में जो भी नंबर होंगे वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे ना, वो किसी और नंबर का स्क्वायर तो हो नहीं सकता. सो यहाँ पे सिंपल लॉजिक यही कहता है कि अगर आप कभी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर के बीच के नॉन परफेक्ट स्क्वायर देख रहे हो, तो मान लो अगर पहला नंबर n था और उसके कंसेक्यूटिव में अगला नंबर n प्लस 1 हो रहा है, तो आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने होंगे? हमेशा 2n होंगे. आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितने नंबर्स होंगे बीच में? तो हमेशा 2n नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, ठीक है? आदित्य थोड़ा सा ध्यान दो, आपको मैंने बहुत क्लासेस से ऑब्जर्व करते आया हूँ, बहुत ज्यादा फोकस लूज करते हो. चैट बॉक्स में मैं देख सकता हूँ 17 मैसेजेस आए हैं, 17 लोगों ने सही आंसर किया, सबने सही आंसर किया, इनफैक्ट किसी ने भी गलत आंसर नहीं किया. तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको दिया है नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 51 का स्क्वायर एंड 52 का स्क्वायर, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर बिटवीन 51 का स्क्वायर एंड 52 का स्क्वायर. और 3 लोगों के मैसेजेस आए हैं, सत्यम पूर्णिमा सही है, कोई काउट नहीं होगा, नो काउट टूडे, आई एम नॉट हैप्पी विथ यू गाइस. जब रोहित सर क्लियरली इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आपको होमवर्क नहीं सबमिट करना है, लेकिन यहाँ पे आधे से ज्यादा लोग बात की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, फिर नो कहो पढ़ाई. सो नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 51 का स्क्वायर एंड 52 का स्क्वायर. तो यहाँ पे n की वैल्यू कहीं ना कहीं 51 ली जाएगी, क्योंकि हम दो यहाँ पे दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर्स, दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है. पहला नंबर है 51, उसका स्क्वायर किया जा रहा है, अगला नंबर है 52, उसका स्क्वायर किया जा रहा है. तो इसलिए आप यहाँ पे n का वैल्यू 51 लोगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, ये उस हिसाब से हो जाएंगे आपके 2 × 51. आप क्या करोगे? आप n की वैल्यू 51 मिली है उसको डबल करोगे, और एकदम सिंपल सा चीज है. आई थिंक इसमें ज्यादा कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है.
आपको देखना है इसमें से छोटा कौन सा है, 51 छोटा है, 52 उसका जस्ट अगला नंबर आ रहा है, तो 51 को n मानोगे उसका डबल करोगे, 51 को n मानोगे उसको डबल करोगे, तो 51 का डबल कितना होता है 102। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि 51 का स्क्वायर और 52 का स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो 102 होंगे, 102 होंगे। ठीक है, चलो मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एंड दिस टाइम आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम ईच वन ऑफ यू। जिसका आंसर नहीं आएगा वो उसको अभी मैं रिमूव कर दूंगा, जिसका आंसर चैट बॉक्स में नहीं आएगा उसको मैं रिमूव करूंगा। नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स बिटवीन 97 का स्क्वायर एंड 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर और 98 के स्क्वायर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे बताओ। श्रेया अलग दुनिया में रह रही हो, श्रेया पढ़ाई करना शुरू कर दो। श्रेया कह रहे दो नंबर। श्रेया सिंपल सा, अगर हम 5 और 6 का भी स्क्वायर करते हैं ना तो उसके बीच में 6 नंबर जाते हैं, 10 नंबर जाते हैं, और यहां तो बहुत बड़े बड़े नंबर्स है। रेहान हम 194 स्क्वायर्स नहीं लिखेंगे, 194 नॉन स्क्वायर्स होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। उज्ज्वल गलत लिखे हो, और आप तो एकदम ही गलत लिखे हो, जैसे होता है हमेशा की तरह, ध्यान नहीं देने का नतीजा। अनुपम आप भी अलग लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, अनुपम बहुत अलग लेवल पे। 97 का स्क्वायर इक्वल टू आपने लिखा है 194, 98 का स्क्वायर आपने लिखा है 196, वेरी गुड। अमृत सागर आप भी बहुत अलग लेवल पे पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं तो पता चले कि आप लोग कितना गलत कर रहे हो, स्पेशली अमृत सागर, उज्ज्वल सागर आप तो अलग लेवल पे रहते हो हमेशा। अपरा में रिकॉर्डिंग देखिएगा, आपका इंटरनेट का इशू जनरली बहुत रहता है, रिकॉर्डिंग देखिएगा। गाइज सबसे पहले ना स्टार्ट पेइंग अटेंशन, बिकॉज द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई एम सीइंग इन यू गाइज इज ध्यान नहीं देते हो, रीजंस एक्सक्यूजेस बहुत ज्यादा होते हैं। आप लोग भले क्लास 8 में हो, लेट बट ट्राई टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। ठीक है, उत्कर्ष आई एम नॉट आस्किंग यू द स्क्वायर ऑफ 97, आई ऑल्सो नो दैट द स्क्वायर ऑफ 97 इज 9409, इट इज नॉट दैट क्वेश्चन। तो अगर आपने मेहनत किया है 97 का स्क्वायर निकालने में तो आपने मेहनत वेस्ट किया है, वो यहाँ पे जरूरत नहीं है। एंड बाकी लोग जो लोग अलग अलग दुनिया के आंसर्स दे रहे हो, ट्राई टू अंडरस्टैंड ये सिंपल लॉजिक क्या कहता है। सिंपल लॉजिक कहता है आपको बताना है कि 97 का स्क्वायर और 98 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, 97 का स्क्वायर और 98 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स आएंगे। तो आपको यहाँ पे लॉजिकली क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे दोनों में से छोटा नंबर पकड़ो, 97 और 98 में से छोटा नंबर क्या है 97, तो n का वैल्यू यहाँ पे 97 उठाओगे। n का वैल्यू 97 उठाने के बाद आपको अगली चीज यहाँ पे लिखनी है टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स। ये सिंपली अगर आपने n का वैल्यू पता कर लिया तो टोटल नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स तो 2n होता है, 2n का मतलब यहाँ पे 2 × 97 हो जाएगा, एंड 2 × 97 विल बी इक्वल टू 194। सो द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 194, दैट्स ऑल। श्रेया कुमारी 195 किसी भी कैलकुलेशन से नहीं आता है, कौशिक 195 किसी भी कैलकुलेशन से नहीं आता है। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों का ये क्यों आया, मैं लेट से एक बार मैं जानता हूं कैसे आया। चलो श्रेया अनम्यूट करना खुद को। हेलो श्रेया कुमारी। यस सर। क्या नाम है आपका, आपने तो रिनेम नहीं किया आपको खुद।
सर आयुष है। क्या नाम है? आयुष। आयुष, तो आयुष आपने रिनेम करके क्यों नहीं रखा फिर अपना नाम को? सर रिनेम नहीं हो रहा है। अच्छा चलो अगली चीज मेरे को बताओ आयुष, आपने ये 195 कैसे कैलकुलेट किया? चलो बता दो। सर ये 97 का 97 का स्क्वायर और 98। अच्छा अभी आयुष यहीं पे ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है क्लास में। मैंने किसी भी पॉइंट पे 97 का स्क्वायर कैलकुलेट किया है? नहीं ना, नहीं किया कैलकुलेट। म्यूट करो उसको सबसे पहले, ठीक है। एंड कौशिक, सेम रीजन आपको भी दूंगा कौशिक, आपने क्या किया फटाफट आंसर निकालने के चक्कर में जो मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने 97 का स्क्वायर कैलकुलेट किया और 98 का स्क्वायर कैलकुलेट किया और माइनस कर दिया, और आपका इसीलिए आंसर आया है 195, लेकिन आंसर उससे एक कम है 194। तो क्लियरली मुझे पता चल जा रहा है कि आपसे यहाँ पे गलती क्या हो रही है। देखो यार यही होता है, सुनना लोग सुनते नहीं है तब अपना दिमाग लगाते हैं, जैसे अभी कौशिक ने लगाया है, आयुष ने लगाया है, सुनना है ही नहीं इन लोगों को। अमृत सागर हो गया, ये उज्जवल सागर हो गया, इन लोगों को खाली बैठ के टाइम पास करना है, शायद लेट के पढ़ाई कर रहे होंगे कुछ लोग इसमें से। यहां पे अगर आप खुद सोचो, मैं आपको क्या लगता है मुझे 97 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर कैलकुलेट करके देखो होता क्या है। 98 का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 9604। ट्रिक तो आपको बताया ही, आपको पता है मेरे को सारे कैलकुलेटर नहीं आते, और इसका इसका स्क्वायर हो गया 9409। अब अगर हम इसको माइनस करते हैं, अगर हम इसको माइनस करते हैं 9604 में से 9409 को माइनस करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 195, आपको मिलेगा 195। लेकिन याद रखो इस तरीके से कि हमेशा आंसर उससे एक कम होता है, हमेशा उससे आंसर एक कम होता है, ठीक है। इसका भी एक छोटा सा लॉजिक है, ऑलवेज लेस देन आंसर इज ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू बाय वन। जो आपका आंसर होगा वो हमेशा इससे एक वैल्यू कम होने वाला है, हमेशा इससे एक वैल्यू कम होने वाला है, ठीक है। आयुष आपका आंसर गलत था बेवकूफ, आंसर इज 194, आपने चैट में 195 लिखा हुआ था। आपने 98 का स्क्वायर माइनस 97 का स्क्वायर करके किया है, बट मैं कह रहा हूं कि आंसर इज ऑलवेज लेस देन दिस वैल्यू बाय वन। अब इसका एक मैथमेटिकल रीजन भी देख लेते हैं, एक इसका छोटा सा मैथमेटिकल रीजन देख लेते हैं। सो द स्मॉल मैथमेटिकल रीजन इज व्हेन आई एम टेकिंग एन स्क्वायर एंड एन प्लस वन का होल स्क्वायर, सो एन प्लस वन का होल स्क्वायर का अगर हम वैल्यू की बात करें, इसको अगर आप ए प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंशन यूज करोगे तो आपको मिलेगा एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस वन। सो नाउ आदित्य कुमार यादव, कैमरा तो खुद से ऑन होता नहीं है, दिमाग चलाओ हाथ मत चलाओ। तो एन स्क्वायर और एन प्लस वन का होल स्क्वायर। नाउ व्हेन आई डू द सब्ट्रैक्शन, जब आप यहां पे सब्ट्रैक्शन करते हो तो यू आर एक्चुअली सब्ट्रैक्टिंग एंड ये वाला चीज माइनस ये वाला चीज। अगर हम ब्रैकेट को यहां से ओपन करते हैं तो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया, लेकिन आपके पास फिर बचा 2n+1। 2n प्लस 1 में 1 हमेशा कम करना होता है, ये इसका एक्चुअल रीजन जो है कह सकते हो एपी चैप्टर में आता है, एपी चैप्टर ऑफ क्लास 10th में पढ़ते हो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बट एज ऑफ नाउ
वी आर टॉकिंग अबाउट पैटर्न यार, वी वर टॉकिंग अबाउट पैटर्न. मैंने आपको इस वाली स्लाइड में भी एक सिंपल सा पैटर्न दिखाने का कोशिश किया कि वन स्क्वायर और टू स्क्वायर के बीच में दो नंबर आ रहा था जो वन का डबल था, टू स्क्वायर और थ्री स्क्वायर के बीच में चार नंबर आ रहा था जो टू का डबल था, थ्री स्क्वायर और फोर स्क्वायर के बीच में छह नंबर आ रहे थे. देखिए ऊपर छह नंबर है, दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, छह नंबर से जो कि तीन का डबल था. यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लिया गया था पांच स्क्वायर और छह स्क्वायर के बीच में, पांच स्क्वायर और छह स्क्वायर के बीच में दस नंबर आते हैं जो कि पांच का डबल होता है. तो यहाँ पे सिंपली क्या ऑब्जर्व किया कि दस स्क्वायर और ग्यारह स्क्वायर, अगर हमको दस स्क्वायर और ग्यारह स्क्वायर के बीच के नंबर देखने हैं तो मुझे दस को डबल करना होगा. यहाँ पे क्या देखा, 51 और 52 का स्क्वायर, अगर मुझको इसके बीच के नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालने तो मुझे 51 का डबल करना होगा. 97 और 98 इनके स्क्वायर के बीच में मुझे नॉन परफेक्ट स्क्वायर दिखना है तो मुझे 97 को डबल करना होगा. तो दोनों में से जो छोटा वैल्यू है उसको सिंपल डबल करोगे. लेकिन अगर आप उसको माइनस करते हो, अगर आप 97 का स्क्वायर माइनस 96 का स्क्वायर कर देते हो उस तरीके से, तो आपको हमेशा जो आंसर मिलेगा वो एक्चुअल आंसर से, आप जो वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअल आंसर से हमेशा एक ज्यादा होगा. आप जो वैल्यू निकालोगे वो एक्चुअल आंसर से हमेशा एक ज्यादा ही रहेगा, और अगर वो एक ज्यादा रहेगा देन आपका आंसर गलत हो जाएगा. तो इसको अगर याद रखें तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर आपने 97 का स्क्वायर, मतलब आपने अगर दोनों परफेक्ट स्क्वायर को माइनस किया उसके बाद उसमें से एक कम कर देना. लेकिन यहाँ पे बड़े कैच क्या है, आप स्क्वायर कैलकुलेट करने में टाइम भी तो बर्बाद कर रहे हो. आप मान लो किसी ने यहाँ पे 97 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर निकाला, उसने स्क्वायर कैलकुलेट करने में टाइम बर्बाद किया, उसके लिए बेटर ऑप्शन क्या था, छोटा वाला नंबर को देख के डबल कर दो. ठीक है, यस, फाइनली यही कह सकते हैं, नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू डबल ऑफ द स्मॉलर नंबर. ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक स्क्वायर को, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एक स्क्वायर को अ सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स रिप्रेजेंट करना. एक परफेक्ट स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना. यहां पे मैं लिख देता हूं, एंड ऑड परफेक्ट स्क्वायर, एंड ऑड परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी एक ऑड परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, उस ऑड परफेक्ट स्क्वायर को आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर के सम के फॉर्म में लिख सकते हो. मैं आपको सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व कराता हूं. जैसे मान लो मैंने 3 का स्क्वायर लिया है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आपको 4 प्लस 5 करके भी मिलता है. अगर मैं लिखूं अगला ऑड नंबर है 5 का स्क्वायर जो कि 25 होता है, 25 अगर देखोगे तो 12 प्लस 13 के फॉर्म में होता है. ठीक है, अगर हम 7 का स्क्वायर देखेंगे तो 7 का स्क्वायर होता है 24 प्लस 25. अगर अगला परफेक्ट स्क्वायर देखता हूं 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 40 प्लस 41. अगर मैं और आगे जाऊं 11 का स्क्वायर तो दैट इज इक्वल टू 60 प्लस 61. मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये सारे 3, 5, 7, 9, 11 ये सबके सब क्या है, ये सबके सब ऑड नंबर्स है. तो मैं सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स कर रहा हूं. और राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, 4 प्लस 5 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन, 12 प्लस 13 दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन, 24 प्लस 25, 40 प्लस 41, 60 प्लस 61 ये सबके सब क्या है, ये सबके सब कंसेक्यूटिव नंबर्स के समेशन है. कंसेक्यूटिव नंबर्स के समेशन है. कंसेक्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद एक. ठीक है, तो ये थ्योरम या ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है एवरी ऑड स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर. कोई भी ऑड स्क्वायर नंबर जो होता है आप उसको दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, और उसका छोटा सा फॉर्मूला होता है. आयुष कुमार, अभी मैं यहां से आपको करूंगा रिमूव. ठीक है, अभी यहां से करूंगा रिमूव. दो तीन बार मैसेज कर चुके हो, क्लास 8 में दो आयुष है, सबको पता है क्लास 8 में दो आयुष है. पीएचडी करना थोड़ी है इस चीज के ऊपर. सेम मैसेज आपका ध्यान किधर है फिर, इसका मतलब है कि आपका ध्यान है कि मैं जब तक इस पे आपको रिप्लाई ना करूं. तीन बार आपका यह मैसेज आया है, गड्ढे कहेंगे नहीं पढ़ना, निकल जाओ यार. आई मीन कंप्लीट नॉनसेंस ना, व्हेन आई एम टीचिंग अ पर्टिकुलर थिंग, मैं ये पढ़ा रहा हूं, दो बार तीन बार मैसेज आ चुका है क्या, सर क्लास 8 में दो आयुष है, क्लास 8 में दो आयुष है. तुम भी गधे हो, वो भी गधा है, इसका मतलब
अगली बार अगर इस तरीके का कोई नॉनसेंस मैसेज किया तो उसको वहीं पे रिमूव करूंगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, कह रहा हूं कि फोकस ऑन द क्लास, यू आर फोकसिंग ऑन अदर थिंग्स एंड दैट इज व्हाई आपका दिमाग नहीं चलता है। आपको जो चीज बोला जाता है वो नहीं करना है। रोहित सर बोलेंगे लिंक पे नहीं डालना है, वहां तभी डालोगे। मैं बोलूंगा क्लास पे फोकस करो, दूसरे चीजों पे फोकस करोगे। शुक्र मनाओ कि अभी ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, इसलिए आप अपना ये सब कर पा रहे हो, वरना वहां नहीं हो पाएगा भाई। ऑफलाइन में थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी स्मूथ। मैं यहाँ पे पीपीटी बना रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के पहले से कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ और यहाँ पे कर रहा हूँ। हम यहाँ पे एक्स्ट्रा एफर्ट करें और बैठ के आपसे पढ़ाई नहीं हो रही है। सो नाउ तो ये कह रहा था कि एवरी ऑड स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। कोई भी ऑड नंबर उठा लेना, कोई भी ऑड नंबर का जो स्क्वायर होगा आप उसको आराम से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आपके सामने मैंने ये एग्जांपल्स, ये सब के सब मैंने एग्जांपल्स आपके सामने शो किए हैं। अब इसको जो मैंने लिखा ना 4, 5, 12, 13, 24, 20, ये कैसे लिखा, तो इसके लिए मैंने अपने मन में एक फॉर्मूला को था उसको यूज कर रहा था, और वो फॉर्मूला यहाँ पे है। ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला क्या कहता है कि उसमें जो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखोगे उसमें जो पहला नंबर होगा दैट पहला नंबर इज एन स्क्वायर माइनस वन बाई टू, और जो दूसरा नंबर है दैट इज एन स्क्वायर प्लस वन बाई टू। पहला नंबर क्या है, एन स्क्वायर माइनस वन। जैसे कि ये देखो, अगर मैं अभी थ्री स्क्वायर वाला ही एग्जाम्पल को पिक करूं, तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो ये फोर कैसे आया, तो ये फोर आया थ्री स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब थ्री स्क्वायर का वैल्यू होता है नौ, नौ माइनस वन करोगे तो होगा आठ, आठ को टू से डिवाइड करोगे तो आएगा चार। अगर मैं इस फाइव की बात करूं तो ये फाइव कैसे आया, तो ये अगला नंबर था, तो ये आएगा आपको एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। अब यहाँ पे एन स्क्वायर की जगह पे थ्री स्क्वायर है क्योंकि हम थ्री स्क्वायर का कैलकुलेट कर रहे थे, तो थ्री का स्क्वायर हो गया नौ, नौ में एक जोड़े तो हो गया दस, दस डिवाइडेड बाई टू हो गया पांच। अगर आप चाहो तो मैं नीचे वाले नंबर पे शो करके दिखाता हूँ, सिक्सटी वाले पे। अगर आप यहां देखोगे तो ये पहला नंबर कैसे आया, तो द फॉर्मूला इज अगेन द सेम, द फॉर्मूला इज अगेन द सेम, इट इज एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और यहां पे क्या है, सो इट इज एन स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। एक जगह पे एन स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। अब 11 का स्क्वायर होता है 121। अब आपको ये माइनस और डिवीजन करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में से एक घटाया तो कितना हो गया 120 हो गया। अब 120 को 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 60 हो गया। अब आपको ऐसे भी कह सकते हो कि अगर एक छोटा नंबर 60 निकल गया तो बड़ा नंबर 61 ही होगा, बट अगर चलो फॉर्मूला वेरीफाई करना है तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 11 का स्क्वायर हो गया 121, उसमें 1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 122। और अब अगर आप इस 122 को 2 से डिवाइड करते हो, 122 को 2 से डिवाइड करते हो तो बन जाता है 61। ठीक है, यहाँ पे और एग्जांपल लिया हुआ है, एग्जांपल 5 स्क्वायर का वैल्यू, जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि 5 स्क्वायर को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 12 प्लस 13 लिखा हुआ है। ये देखो कैसे, तो पहला नंबर क्या है 5 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, सो 25 माइनस 1 इज 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12, 24 डिवाइडेड बाई 2 इज 12। नेक्स्ट इज 5 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 25 प्लस 1 26, 26 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 13, तो इसलिए अगला नंबर यहाँ पे क्या है, तो अगला नंबर यहाँ पे है 30। ठीक है, तो दिस इज हाउ, इतना इजी है मतलब ये कैलकुलेट करना। ठीक है, जो भी परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है उसमें से माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 से छोटा नंबर मिलेगा, अब प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो बड़ा वाला नंबर मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन देता हूं, represent the following numbers as a sum of two consecutive, Aditya you tried again and you are removed, और किसी का कैमरा दोबारा ऑन होता है रिमूव कर दिया जाएगा। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स।
जैसे कि मान लो मैंने सबसे पहले यहाँ पे रखा है 15 का स्क्वायर, चलो चैट बॉक्स में बताओ कि अगर हम 15 के स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के समेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो वो दो नंबर्स क्या क्या होंगे, वो दो नंबर्स क्या क्या होंगे? आर्यन अनम्यूट करना, तो चुप 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 चुप। यस क्या होगा आंसर सर? 112 + 113। वेरी गुड। फ्रेंड्स अनम्यूट करना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आंसर तो उसने बता दिया है, आप बताओ कैसे निकाला उसने वो आंसर? कैलकुलेट नहीं किया अभी तक सर। 15 into 2। अलग दुनिया में हो फ्रेंड्स, अलग दुनिया में हो, आप इस दुनिया में नहीं हो। आंसर तक नहीं सुना कि उसमें क्या आंसर है। उत्कर्ष? यस सर। कैसे निकाला आंसर उसने? सर पहले यहाँ पे हुआ है 15 का स्क्वायर माइनस 1/2, तो उसमें आएगा 112, और फिर हम लोग फिर करेंगे 15 का स्क्वायर प्लस 1/2, तो उसमें आएगा 113। Exactly, very good. As simple as that, एकदम मुश्किल नहीं है। जो भी नंबर दिया है -1/2 +1/2, अब ये हो गया आपका कितना, 15 का स्क्वायर होता है 225 में से एक कम किया तो 224 हुआ, डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 112, अगर ये 112 होगा तो ये अगला नंबर ही होने वाला है 113। हाँ आप म्यूट कर लो, थैंक यू। अच्छा गाइस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। अगेन जैसे कि अभी प्रिंस को पूछा था 15 into 2 कह रहे हैं, तो ये वो अभी ध्यान नहीं दे रहा क्लास में हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। बट क्या मैं कुछ अलग लैंग्वेज बोल रहा हूँ? नहीं, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पे अभी 16 लोगों के मैसेजेस आए हैं मेरे को, मतलब आउट ऑफ 27-28 स्टूडेंट 16 लोगों ने सही आंसर भेजा है, किसी ने भी चैट में गलत आंसर नहीं भेजा। तो मोर देन 50% ऑफ द क्लास इज गिविंग द करेक्ट रिस्पॉन्स इन वेरी लेस टाइम, तो दे आर पेइंग द अटेंशन। मुझे टेंशन है बाकी लोगों के लिए। चलिए मैं अगर यहाँ पे अगला नंबर लिखता हूँ 27 का स्क्वायर, चलो चैट बॉक्स में बताओ 27 का स्क्वायर, इसका इसको अगर हम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या क्या नंबर्स आएंगे? अमृत देर एक बार अनम्यूट करना खुद को। यस सर। कैसे करना है बताओ? सर पहले जो नंबर है उसको, पहले जो नंबर है उसको सर 27 जो नंबर है ना सर 27 स्क्वायर माइनस 1/2 कर देंगे सर उसको, उसके बाद 27 का स्क्वायर निकाल के माइनस 1/2 करके सॉल्व कर देंगे सर, फिर 27 स्क्वायर 2 + 1/2 करके सॉल्व करके उसका आंसर आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। इसी तरीके से अब आपसे इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि चैट में आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया था एक बार भी। अब जो चीज आप कह रहे हो अमृत, अगर आप उसी को सॉल्व करोगे तभी ना आपका आंसर आएगा और तभी आप चैट में लिखोगे। तो चैट में पार्टिसिपेट करो, ठीक है, आप ही के लिए भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ओके गाइस, तो जैसे कि अमृत ने समझा दिया कि सिंपली 27 का स्क्वायर माइनस 1/2 एंड 27 का स्क्वायर प्लस 1/2,
तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 27 का स्क्वायर होता है 729, उसमें से एक घटाओगे 728 होगा, 728 को डिवाइड करना 364 आएगा। अगर ये 364 है तो अगला नंबर तो 365 ही रहने वाला है। ठीक है, प्लेन एंड सिंपल क्वेश्चन गोइंग ऑन गाइस, समझा रहा हूं कॉन्सेप्ट को, फिर उसके ऊपर का छोटा छोटा एग्जांपल्स दे रहा हूं ताकि आपको ये समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, दिस विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर द डे, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन और ऑड नेचुरल नंबर्स। अगर हम दो कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, अब बेसिकली अगर यहां देखोगे तो यार ए प्लस वन, सिंपल सा बात है, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, ए प्लस वन इंटू ए माइनस वन, क्या होगा इसका वैल्यू? तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ये फॉर्मूला तो देखा ही हुआ है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अमृत सागर चलो बेटा तुमको करते रिमूव, अमृत सागर हो गया, उज्जवल सागर हो गया, जितने सागर लगा के रखे हुए ना ये लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, खाली इनका वीडियो बार बार ऑन होता है। चलो तो अमृत पहले तुम्हें निकाल रहा हूँ और फिर उज्जवल तुम्हें निकाल रहा हूँ, ताकि तुम लोग पढ़ने आए नहीं हो, और ये अनन्या तो अपना उसने ऑन ही नहीं किया हुआ है, चलो अनन्या को भी निकाल दिया जाए। सो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, क्या होता है ये प्रोडक्ट? So, x plus y into x minus y का वैल्यू कितना होता है? That is x square minus y square होता है। I believe सबको ये चीज़ पता है। x plus y into x minus y कितना होता है? x square minus y square होता है। तो ठीक उसी तरीके से a plus b into a minus b कितना होगा? a square minus 1 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि दो नंबर्स जब आपको मिलेंगे ना, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, यहाँ पे खासियत क्या है, 21 और 23 ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। तो जब आपको 21 into 23 किया जाता है तो आप यहाँ पे स्क्वायर का हेल्प लेके भी कैलकुलेट कर सकते हो, आपको नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है ये? ये कह रहा है कि अगर आप दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर हो गया या फिर दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो गया, अगर आप उसका मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आप उसकी वैल्यू को स्क्वायर के हेल्प से ही कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 21 और 23, अगर हम बात करें 21 और 23 का, अच्छा ये गलत लिखा हुआ है इधर, ठीक है ये गलत लिखा हुआ है, 21 की बात करें तो 21 क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं 22 माइनस 1, और इस 23 को क्या लिख सकते हैं, तो 23 को लिख सकते हैं 22 प्लस 1। तो समझो गाइस, मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने देखा कि 21 और 23 दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, तो इनके बीच में कौन सा नंबर आता है, 22। तो कहने के लिए 21 जो है वो 22 से एक छोटा है और 23 जो है वो 22 से एक बड़ा है। 21 क्या है, 22 से एक छोटा है और 23 22 से एक बड़ा है। तो अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर रहे होगे तो इट्स लाइक ए माइनस वन इंटू ए प्लस वन, कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वन, तो ये हो गया 22 का स्क्वायर माइनस वन। अब 22 का स्क्वायर होता है 484, तो 484 माइनस वन कितना हो जाएगा, this will be equal to 483, this will be equal to 483। और एक example लेके समझाता हूँ, मान लो कि अब ये वाला था 21 into 23, यहाँ पे दो consecutive odd numbers को लिया गया था, मान लीजिए कि मैं अब दो consecutive even number को ले लेता हूँ, let's say 50 into 52, अब देखो मैं इसको calculate करूँगा, चलो 50 तो बड़ा आसान सा number हो गया, let's say मैं इसको थोड़ा मुश्किल कर देता हूँ, 56 into 58। अब 56 into 58 क्या होता है, तो इनके बीच में नंबर कौन सा आएगा, सबसे पहले इनके बीच में नंबर है 57। आपको क्या देखना है, पहले दोनों कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, उनके बीच का नंबर है 57। तो कहने के लिए जो 56 है उसको हम 57 माइनस 1 लिख सकते हैं, और जो आपका 58 है उसको हम 57 प्लस 1 लिख सकते हैं। एक 57 से एक कम है और दूसरा 57 से एक ज्यादा है, तो ये a माइनस वन इंटू ए प्लस वन हो गया। तो उस हिसाब से इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, इसका मल्टीप्लीकेशन होगा 57 का स्क्वायर माइनस वन। अब आप 57 का स्क्वायर कैलकुलेट करोगे, 57 का स्क्वायर आता है 3249, और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बन जाएगा 3248, ये बन जाएगा 3248। ये मैंने एक बड़ा नंबर लेकर सॉल्व किया, एक बड़ा नंबर लेकर सॉल्व किया, बट प्रोसेस पे ध्यान दो। प्रोसेस क्या कहता है, अगर दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है या दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है, अगर हम उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो उसको हम ए स्क्वायर माइनस वन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है,
ए स्क्वायर माइनस वन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। चलो मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो। लेट्स ए सिंपल सिंपल क्वेश्चन देता हूं अभी। 19 × 21 इस प्रॉपर्टी के हेल्प से करना, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप अपने गलती कर रहे हो। प्रॉपर्टी के हेल्प से करो इसको। चलिए ये दो क्वेश्चन कीजिए, चैट में आंसर भेजिए प्रॉपर्टी के हेल्प से। दोनों के बीच का नंबर देखो, जैसे 19, 21 है तो उसका बीच का नंबर क्या है, 24 और 26, यहां पे 26 आएगा, इनके बीच का नंबर क्या है? अनय, नैतिक, शुभम, सिद्धि, वेरी गुड। आर्यन गलत है, आर्यन चेक करो। आयुष सही है, अमृत सही है, रेहान सही है, शुभम सही, आयुष सही है, पूर्णिमा सही है, नयन, अनय, शुभम, सिद्धि सब सही कर रहे हो, आंसर सही भेज रहे हो। गाइस सिंपल प्रोसेस है, सबसे पहले आपको देखना है कि क्या ये दोनों कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो पहला देख सकते हो दे आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो आपको उनके बीच का नंबर पकड़ना होता है। तो 19 और 21 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 20 आएगा। तो कहने के लिए जो मेरा 19 है वो 20 माइनस 1 है, और जो मेरा 21 है वो मेरा 20 प्लस 1 है। तो ये a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 बन गया। तो a माइनस 1 इंटू ए प्लस 1 कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 400 है। 400 में से 1 कम करोगे तो कितना होगा, 399 हो जाएगा, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 है। 400 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 399 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 24 × 26। 24 × 26 की बात करें तो इनके बीच में कितना नंबर आता है, इनके बीच में एक नंबर आता है, 25। तो कहने के लिए एक मेरा 25 से 1 माइनस करना है और अगले वाले के लिए 25 प्लस 1 करना है, क्योंकि 25 माइनस 1 ही 24 होता है और 25 प्लस 1 ही 26 होता है। तो ये हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 1। 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 में से 1 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 624। ठीक है, वो हो जाएगा 624। एकदम सिंपल सा था। बोलो कोई यहां तक, अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी हैं? तो हमने देखा कि दो स्क्वायर्स के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स आते हैं, पहला। फिर हमने देखा था कि किसी भी नंबर को, किसी भी ऑड परफेक्ट स्क्वायर को हम दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। पिछले वाले में फॉर्मूला था 2n, यहाँ पे फॉर्मूला है n स्क्वायर माइनस 1/2, n स्क्वायर प्लस 1/2। फिर हमने देखा था कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर या फिर इवन नंबर, इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के लिए हम स्क्वायर का हेल्प ले सकते हैं। और उसके लिए आपको सिंपल तरीका क्या बताया है कि बीच का नंबर देखो। जो भी दो कंसेक्यूटिव नंबर दिए हैं, दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर दिए तो उनको बीच का नंबर देखो, दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर भी दिया है तो उनके बीच का नंबर देखो, और उसको इस फॉर्म में लिखो, इस फॉर्म में लिखकर इसको कैलकुलेट करो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अभी क्लास को यहां पे एंड करूंगा। एंड हाँ उत्कर्ष, मैं इसका अभी जितना लिखा ना इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हाँ नहीं बताओ सर, एक बार लास्ट स्लाइड ओपन करिए ना। यही है लास्ट स्लाइड? नहीं नहीं सर, इसे प्रीवियस वाला, ये वाला। यस सर। सर यहाँ पे जैसे आपने डिफिनेशन में लिखा है, एवरी ऑड स्क्वायर नंबर इज द समेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। सर ये ऑड नंबर से जरूरी है, ये तो सर 196 14 के स्क्वायर पे भी काम करेगा ना? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम जब 14 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 करोगे। यस सर, पॉइंट में आ जाएगा सर। हाँ तो डेसिमल में आ रहा है ना, 97.5 आएगा। यस सर। हाँ, और हम यहाँ पे जो ये लगा रहे प्रॉपर्टी, ये देख रहे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। ओके सर। एंड 97.5 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। यस सर। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे इवन स्क्वायर्स को कंसीडर नहीं किया, सिर्फ ऑड स्क्वायर्स को कंसीडर किया। ओके सर, अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे भेज दूंगा। पायल क्वेश्चन नंबर 6 विल डू इट लेटर। एक्चुअली टाइम, ये देखो पैटर्न वाले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने रखे थे इसको समझाने के लिए,
और इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन भी रखे थे, बट नाउ विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। होमवर्क मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा। होमवर्क जो अपडेट नहीं करेगा वो तो कल की क्लास नहीं कर पाएगा। कल की क्लास में हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कहूत खेलेंगे, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो होमवर्क सबमिट करेंगे। तो होमवर्क मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा, ठीक है? सो बाय एवरीवन, आई एम एंडिंग द सेशन हियर, एंड स्पेशली जो लोग ध्यान नहीं दे रहे ध्यान देना शुरू कर दो। आई एम एंडिंग द सेशन हियर, मिलते हैं कल की क्लास।